तो आज की जो सी प्लस प्लस की क्लास है, इसमें हम एक नया शब्द सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण फीचर है, और ये फीचर जो है एक प्रकार से शेयरिंग नाम का जो शब्द है उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के साथ शेयर करती है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हम अपनी रियल लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करके करते हैं, तो हमारा बड़ा जो टास्क है वो जल्दी और आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो मान के चलिए, अगर हमको, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप है और मुझे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना है, तो मैं एक एक स्टूडेंट को 20 20 क्वेश्चन दूँ और सभी लोग उसको सॉल्व करें तो काफ़ी समय लगने वाला है। ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं एक एक स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ और सभी स्टूडेंट, जैसे रोल नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएगा, रोल नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाएगा। इस तरीके से सभी लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे और आपस में सभी लोग शेयर कर लेंगे, तो हर स्टूडेंट के पास 20 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और जब बनाने में जो है ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कम समय में बना के कंप्लीट कर देती है। तो शेयरिंग वाला जो कंसेप्ट है उसी को इम्प्लीमेंट किया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में, और उसका नाम दिया गया है इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं टेक्निकल वर्ड की। अभी तक मैंने रियल लाइफ में समझाया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, और ज़्यादातर इनहेरिटेंस को लेवल वाइज मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर हम एक सिंगल लेवल पे, अभी मैंने इनहेरिटेंस की बात की कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, प्रोग्राम शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की शेयरिंग है। लेकिन अगर ये शेयरिंग जो है वो लेवल वाइज हो तो इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। लेवल वाइज का क्या मतलब है हम इसको भी समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से कोई कुछ डेटा ले रहा है या कुछ प्रॉपर्टीज ले रहा है या कुछ भी चीज़ पेरेंट्स अपने चाइल्ड को देता है और चाइल्ड उसको एक्सेप्ट करता है, तो इस शेयरिंग को बोलते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि शेयरिंग जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन पे होती है, एक एक पर्सन देता है और दूसरा पर्सन लेता है। तो इस तरीके का जो अगर शेयरिंग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसमें लेवल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो पर्सन, जो चीज़ें जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को दे रही है वो आपकी बेस कहलाती है, और जो प्रॉपर्टीज ले रही है वो डिराइव कहलाती है। बोलने का, पूरे बोलने का एक मतलब है कि अगर आपका जो शेयरिंग है वो अगर लेवल वाइज होता है तो उसको हम सिंपल भाषा में या टेक्निकल भाषा में उसको इनहेरिटेंस कहेंगे। अब अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई पेरेंट अपने चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी देता है, फॉर एग्जांपल उसकी कोई शॉप है, और बाद में जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो शॉप उसको मिल जाएगी, तो एक प्रकार का ये इनहेरिटेंस होगा। तो इनहेरिटेंस करने से फायदा ये होता है कि ये जो नई जनरेशन है इसके पास पुरानी जनरेशन के सारे गुण अपने आप आ जाते हैं और खुद के भी कुछ एडिशनल गुण होते हैं। यानी कि जो चाइल्ड होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पास पुरानी जनरेशन के गुण तो होते ही हैं प्लस अपने एडिशनल गुण भी होते हैं। तो यानी इसमें जो है वो ज़्यादा एग्जीक्यूशन का पावर होता है। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस हम बना सकते हैं। सी प्लस प्लस में बात करें, अगर मैं टेक्निकल थोड़ा बात करूँ, तो एक क्लास बनी हुई है और ये क्लास अपने कोड को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने मेंबर्स को, अब इसके अंदर की जितने भी चीजें हैं उनको अगर दूसरी क्लास को शेयर कर दे तो ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये कंसेप्ट बिल्कुल पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट जैसा है। इनहेरिटेंस मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस जो है शेयरिंग वन वे होती है, यानी एक ही आदमी जो है, मतलब शेयरिंग जो है उसका डायरेक्शन एक साइड होता है, दोनों साइड नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए इसको लेवल वाइज बोलते हैं। जो शेयरिंग है वो ऊपर से नीचे इस प्रकार से होती है, लेकिन डायग्राम में इसको उल्टा ऐसा दिखाया जाता है। बुक में देखेंगे तो उल्टा डायग्राम आपको दिखेगा, एरो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो अब एक अंदाजा लगाइए, एक क्लास बनी हुई है जिसमें कुछ कोड किया हुआ है और 100 स्टूडेंट हैं, और अगर मैं अपनी क्लास को आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्लास मतलब वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाला क्लास, अपनी जो क्लास सी प्लस प्लस में जो मैंने क्लास बनाई है डेट नाम की, वो मैं आपको शेयर कर दूं, तो बाकी 20 स्टूडेंट्स को
वो डेट वाला जो कोड है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो शेयरिंग होती है इसी टेक्निक को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। अब इनहेरिटेंस का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, ये तो समझाने के लिए था, मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल लिया, मैंने पेरेंट चाइल्ड का एग्जांपल लिया, मैंने थोड़ा सा टेक्निकल बताया, लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस का डेफिनेशन बोलूँ तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास को अपनी प्रॉपर्टीज शेयर करता है। सिंपल लाइन में एक डेफिनेशन है, एक प्रोसेस जिसके द्वारा एक क्लास दूसरी क्लास, क्लास मतलब C++ की क्लास, C++ की क्लास अपने प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज मतलब इसके अंदर में होने वाली कोई भी कोड, चाहे वो डेटा है, चाहे वो फंक्शन है, चाहे दूसरी क्लास है, चाहे ऑब्जेक्ट है, कुछ भी इसके अंदर, इसके जो अंदर होता है उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के साथ अगर शेयर करता है तो इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब इनहेरिटेंस एक बहुत अच्छा फीचर है और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ये करेंगे कि इनहेरिटेंस करने के लिए कोड क्या लिखा जाए, ऐसा क्या लिखा जाए कि इनहेरिटेंस हमारे पास हो जाए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, हमको इनहेरिटेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन कोड की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस करने के लिए कोड क्या लिखना होता है देखते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा इनहेरिटेंस का कोड करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको .h और .h, ये तो हमारा जो कॉमन है वो तो है ही, क्लास ए मैंने बनाया और क्लास बी बनाता हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो क्लासेस बनाई हुई है, क्लास ए और बी, दोनों को मैंने ब्लैंक रखा है और यहाँ पर एक मैंने वॉइड बनाया। वॉइड मेन में जो कॉमन चीजें हैं वो हम लिखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि क्लास ए जो है वो ब्लैंक है और क्लास बी जो है वो भी ब्लैंक है। क्लास ए के अंदर मैं जानबूझ के कुछ न कुछ प्रॉपर्टी बना देता हूँ। क्लास ए के अंदर हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पब्लिक करता हूँ और वॉइड शो बना दिया हमने। शो बनाने के बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ, आई एम ए, सिंपल। इसके अंदर लिखा मैंने आई एम इन ए, यानी क्लास ए के अंदर है ये, क्लियर। अब अगर मैं ये जो ए क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, इसमें बनाया A1। आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है और फिर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा करके हम उसको यूज कर सकते हैं। मैंने ये शो किया तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि क्लास बी को बिल्कुल भी यूज किया ही नहीं गया है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद इसको यूज करने वाले हैं। पहले मैंने एक क्लास बनाई, इस क्लास में मैंने एक मेथड या फंक्शन बनाया है, इसको जब शो नाम दिया और कॉल करने से आई एम इन ए ऐसा आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने बी को यूज ही नहीं किया है, यहाँ पर मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया और ए को कॉल करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। उसके बाद फिर बी का यूज करेंगे और फिर इनहेरिटेंस यूज करेंगे। पहले इसको सिंपल तरीके से देखते हैं कि इनका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। इनहेरिटेंस डॉट सीपीपी नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ और आपको मैं टर्बो सी में के विंडो पर इसको ओपन करके हम देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सी ओपन कर लिया है और जब हम इसको ओपन करेंगे और हमारे पास ये वाला कोड जो हमने अभी किया आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है ये कोड जो है, और हम इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्लास बी को बिल्कुल भी अभी ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए क्या हो रहा है, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मैंने इसको रन किया और देखिए आउटपुट में आई एम इन ए आ रहा है। अब देखिए ये जो आई एम इन ए जो है इस कोड को क्लास ए क्लास बी के साथ शेयर कैसे करेगा। शेयर करने के पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ए का ऑब्जेक्ट ना बना करके बी का ऑब्जेक्ट बनाता, आपको पता है कि बी एक ब्लैंक क्लास है, एम्प्टी है, उसके अंदर शो नाम का मेंबर नहीं है,
ये बी के अंदर शो नाम का कोड नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा जैसा ए के अंदर है, तो इस कोड में एरर आने वाला है क्योंकि बी के अंदर हमने शो नाम का कोई भी मेथड, फंक्शन या मेंबर नहीं बनाया है। तो इस कोड को मैं जैसे ही रन करने की कोशिश करूंगा आपको एक एरर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको एरर में दिख भी रहा है कि शो इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, क्योंकि बी जो है वो एम्प्टी है, बी एम्प्टी है और उसके अंदर शो नाम का कोई भी मेथड या फंक्शन नहीं है। तो एक दूसरा तरीका है कि इस कोड को मैं यहाँ पर चला सकता हूँ, मुझे यहाँ पर फिर से बनाना पड़ेगा पब्लिक ऐसा बनाना पड़ेगा और इसमें कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं अब ये काम नहीं करने वाला हूँ, मैं इस कोड को दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कोड पहले से क्लास ए में लिखा जा चुका है, तो मैं वहां से उसको शेयर कर लूंगा। यही चीज हम देखने वाले हैं कि मैं उस क्लास बी में क्लास ए के कोड को कैसे शेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो अप्लाई करने वाला हूँ। इनहेरिटेंस करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना होता है, जो क्लास प्रॉपर्टीज ले रही होती है, यहाँ पर क्लास बी जो है प्रॉपर्टी ले रही है, उस क्लास को बनाते समय डिक्लेयर करते समय हमको एक कोलन लगाना है और यहाँ पर लिखना होता है पब्लिक, इसको पब्लिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पब्लिक लिखने के बाद जिस क्लास से प्रॉपर्टी लेना है उसका नाम लिख देते हैं। सिर्फ इतना लिखने से क्लास ए के अंदर अगर 1000 लाइन का भी कोड है तो वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर पब्लिक कोड जो है वो शेयर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 लाइन का कोड है तो ये 1 लाइन शेयर करेगा, अगर मुझे 10,000 लाइन का कोड भी शेयर करना होगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है। अब आपको पता है कि क्लास बी जो है वो खाली है, क्लास बी जो है उसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, लेकिन उसने क्लास ए से ये कोड को शेयर कर लिया है, यानी कि ये कोड जो अभी एरर दे रहा था, शो नाम का जो मेथड था वो नहीं चल रहा था, वो अब चलने वाला है और आउटपुट में यही आउटपुट देने वाला है। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ए का कुछ भी यूज नहीं किया है लेकिन इस कोड को वो यूज करने वाला है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट में आई एम इन ए आ गया, क्योंकि बी के अंदर शो नाम का मेथड नहीं है, उसने ए से शेयर कर लिया है, तो ए में अगर मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा यहाँ पर तो वो शेयरिंग जो है बी में जाएगी, जैसे मैं यहाँ पर ट्रिपल ए कर दिया, तो जब मैं बी में जब इसको यूज करूंगा तो वो ए का ही जो हिस्सा है वो यूज कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 1 लाइन का कोड मैंने कैसे इनहेरिटेंस करके शेयर किया। अगर यही कोड 1000 लाइन का होता तो भी बी जो है वो एम्प्टी होने के बावजूद 1000 लाइन का कोड जो है दोबारा शेयर कर लिया, तो बी में दोबारा 1000 लाइन का कोड करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो बी ब्लैंक होने के बावजूद भी बी ने क्लास ए से प्रॉपर्टीज ली, मेंबर्स लिया, इनहेरिटेंस हुआ, और इनहेरिटेंस होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, जो क्लास प्रॉपर्टीज ले रही है उसको बनाते समय कोलन पब्लिक, फिर जिस क्लास से प्रॉपर्टी लेना है उसको लिखना होता है। तो ये आपका इनहेरिटेंस, एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था कि इनहेरिटेंस किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा थ्योरी के बारे में, कि थ्योरी में अगर हम आ जाए तो जो भी क्लास, ये एक क्लास है जो अपनी प्रॉपर्टीज देती है, इसको हम कहते हैं बेस क्लास। यानी कि अगर मैं बोलूं कि क्लास ए जो थी वो बेस क्लास थी क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज दे रही थी दूसरे को, शेयर करके अपना डेटा दे रही थी, तो ऐसी क्लास जो दूसरे क्लास को प्रॉपर्टी देती है उसको टेक्निकली बेस क्लास कहा जाता है, और दूसरी क्लास जो प्रॉपर्टी ले रही होती है उसको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। डिराइव्ड मतलब वो इससे बनती है, और हमको जनरली देखा जाए तो ये अगर दे रहा है तो ऐसा डायग्राम बनाना होता है, एरो इस साइड होना है, लेकिन इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना होता है, आपको बुक में भी इस तरीके से देखने मिलेगा और नेट में भी इस तरीके से देखने मिलेगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ से जो चीज है वो दोबारा यहाँ पर नहीं आता बल्कि यहाँ से यहाँ पर लिंक क्रिएट होता है। ये इनहेरिटेंस का एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देख करके हमको समझ में आता है कि जो क्लास बी है या बेस क्लास है वो अपनी प्रॉपर्टीज को डिराइव्ड क्लास को दे रही है। इस सिंपल प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल है।
और इस डायग्राम को क्लास डायग्राम कहा जाता है, जहाँ पर एक क्लास को एक डब्बे से या बॉक्स से या रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मेरे पास अगर तीन क्लास है तो मैं ऐसा तीन डब्बा बनाऊंगा। तो ये जो डायग्राम होता है इसको क्लास डायग्राम बोलते हैं। तो ये जो क्लास डायग्राम है ये दिखा रहा है कि एक बेस क्लास है जो अपनी प्रॉपर्टीज डिराइव क्लास को दे रही है, और इसमें जो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज देती है उनको बेस क्लास कहा जाता है। जो क्लास अपनी प्रॉपर्टी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी लेती है उनको डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। अब ये डायग्राम आपको डिस्प्ले कर रहा है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। इनहेरिटेंस को क्लास डायग्राम के हिसाब से पांच कैटेगरी में बांटा गया है। पांच टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, मैं उनका नाम एक बार बोल के बता देता हूँ। सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कुछ बुक्स में आपको अलग अलग नाम भी दिखाई देंगे, छह नाम दिखाई देंगे, सात नाम दिखाई देंगे, और अलग अलग रिसर्च हो रही है उसमें नाम जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोर्स में चार या पांच ही हैं। चार पांच लिखने पर भी आपका जो आंसर है वो चेकर जो है उससे सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप चार पांच टाइप के इनहेरिटेंस जो है वो लिख सकते हैं, और हम लोग अगली क्लास में देखेंगे वो पांचों टाइप के इनहेरिटेंस क्या होते हैं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पांचवी क्लास में हमने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन, इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंटेशन और इनहेरिटेंस का क्लास डायग्राम देखा है, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन और थोड़ा थोड़ा थ्योरी नॉलेज भी हमने लिया है।